तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर दो टाइप की ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग इन सीरीज, ग्रुपिंग इन पैरेलल। ग्रुपिंग इन सीरीज में R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स हैं और सीरीज में कनेक्टेड है विद अ बैटरी, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लेटर सपोज V है, तो V है, ये प्लस है और सपोज ये माइनस है, तो इसमें से करंट जाएगा। बैटरी का क्या रूल है, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट घूम के वापस भी आएगा, ये रूल है इसका। तो इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I into R1, I into R2, I into R3, यानी कि V1, V2, V3। तो पैरल सीरीज के अंदर V तीनों रेजिस्टर्स में V1, V2, V3 और टोटल V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से आप V के अंदर V1 की वैल्यू पुट करेंगे IR1, IR2, IR3, तो V/I। अगर मैं तीन रेजिस्टर की जगह एक रेजिस्टर लगाऊं जो सेम काम करे, जो तीन करता है, तो टोटल रेजिस्टेंस V अपॉन I क्या हो जाएगी, RS। तो सीरीज के अंदर फॉर्मूला बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मान लो ये रेजिस्टर R1 1 ओम की है, ये 2 ओम की है और ये 3 ओम की है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। तो हम ऐसा बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 3, और आपका आंसर 3 से भी ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है ग्रुपिंग इन पैरेलल। ग्रुपिंग इन पैरेलल के अंदर तीन रेजिस्टर्स मान लो किसमें है, तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में है, और ये EMF या जो भी आपने लेना है, V लो, E लो, वैसे यहां पर मेरे हिसाब से E की जगह V होना चाहिए क्योंकि वहां पर V यूज कर रहे हैं, करेक्शन कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर V है। अब यहां पर अगर V है तो ऑब्वियसली यहां पर अगर V1 है तो ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा, और ये V2 तो ये भी सेम पोटेंशियल पे होगा। मतलब अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इन दो पॉइंट्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होगा। तो इन दो पोटेंशियल डिफरेंस में ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो पैरेलल में V रिमेंस सेम, पर करंट डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3 में। तो इसमें V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2, I3 इज इक्वल टू V/R3। तो करंट I क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1, I2, I3 पुट करके V नीचे आ गया। अगर इन तीन रेजिस्टर की जगह एक रेजिस्टर लगाएं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, I upon V is 1/RP। तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस अफेक्टिव इसके इक्वल होगी। अगर मान लो एक मिनट के लिए ये 1 ओम है, ये मान लो 2 ओम है और ये मान लो 3 ओम है, आप इसे सॉल्व करेंगे जब, तो पैरेलल के अंदर अफेक्टिव जो रेजिस्टेंस आएगी वो लेस देन 1 ओम आएगी। तो जब सॉल्व करेंगे 1 से भी कम आएगी, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से। तो इसलिए बोला जाता है कि अफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके अंदर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहां तक। तो ये समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे।